51वीं जयंती प्रकाश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारे में भजन कीर्तन के साथ ही लंगर भी किया गया। हर धर्म के लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर न केवल एकता का संदेश दिया बल्कि प्रकाश उत्सव को उत्साह से मनाया भी। भारत में बढ़ते अत्याचार को मिटाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वो हमेशा इंसानियत की लड़ाई लड़ते रहे। आज उनकी 351वीं जयंती है जिसे प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। महोबा में भी ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारे में सजावट की गई और आज सुबह से ही लंगर का इंतजाम किया गया। सभी धर्म के लोग प्रकाश उत्सव में शामिल होने के लिए गुरुद्वारे पहुंचे। सभी ने प्रकाश उत्सव को भाईचारे के साथ मनाया। गुरुद्वारे में कीर्तन भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सिख समुदाय के सैकड़ों लोग अन्य जनपदों से प्रकाश उत्सव में शामिल होने के लिए महोबा पहुंचे। लंगर और कीर्तन के बाद झांकी भी निकाली गई। गुरु गोविंद के सिद्धांतों को दर्शाती झांकी मानवता का संदेश देती नजर आई। हिंदू और मुस्लिम भाइयों सहित राजनीतिक दलों के लोगों ने स्टॉल लगाकर झांकी का स्वागत किया। गुरुद्वारे के व्यवस्थापक हरजीत सिंह बताते हैं कि भारत में जब सिखों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था तब गुरु गोविंद सिंह ने न केवल मानवता का संदेश दिया बल्कि लोगों को जोड़ने का भी काम किया। वही रिकी बताते हैं कि बड़े उल्लास के साथ सभी धर्मों के लोगों ने एकता के साथ प्रकाश उत्सव मनाया है। गोविंद सिंह जी ने जो है जब बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था हिंदुस्तान के ऊपर, जब औरंगजेब जो है दो कौमों से एक कौम करना चाहता था, तो उसका ये था कि हमको रोज 1.25 लाख जनेऊ उतरवाता था, वो अपना एक धर्म करना चाहता था। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो जुल्मों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने सिंह तैयार किए थे, जिसमें 5 प्यारे थे और सारी सिंह उन्होंने सिंहों को तैयार करके इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज 351वां प्रकाश उत्सव गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया जा रहा है, जिसमें छतरपुर से भी संगत आई हुई है, हरपालपुर से भी आई हुई है, बांदा से भी आई हुई है, लोकल के भी सहयोग काफ़ी सारी, लोकल के जो लोग हैं यहाँ के सारे लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। बड़ी सद्भावना के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। आज हम गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं महोबा में। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होते हैं, लंगर होता है और नगर कीर्तन निकाला जाता है। महोबा, पन्ना, छतरपुर, राठ, बांदा से सभी संगत आती है, सभी के मन में उत्साह रहता है और सभी उत्साह से आज ये प्रकाश उत्सव सभी लोग मिलकर मनाते हैं। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।